दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें बहुत अच्छे से ग्रामर आती है, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि जो बातें हम डेली लाइफ में बोलते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेज लेके आया हूँ जिनका यूज आप फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातें करते टाइम कर सकते हो, जिससे आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम उससे डरते हो? अब ये सेंटेंस हम बहुत बार बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, डू यू स्कैड ऑफ हिम? डू यू स्कैड ऑफ हिम? क्या तुम उससे डरते हो? ओके, नेक्स्ट है, यह आम रास्ता नहीं है। इंग्लिश में दिस इज नॉट अ पब्लिक वे। दिस इज नॉट अ पब्लिक वे, यह आम रास्ता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, क्या वहाँ पर कोई रो रहा है? क्या वहाँ पर कोई रो रहा है? इंग्लिश में बोलेंगे, इज समबडी वीपिंग देयर, या फिर इज समवन वीपिंग देयर। समवन या समबडी दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वहाँ क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? वहाँ पर क्या चल रहा है? ओके गाइज, नेक्स्ट है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। आई एम फीलिंग लाइक फीवर। आई एम फीलिंग लाइक फीवर, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, मुझे भूख लग रही है। I am feeling appetite. I am feeling appetite. मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। He look older than his age. He look older than his age. मतलब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अब इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, सी कुडंट होल्ड लाफिंग। सी कुडंट होल्ड लाफिंग, वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरे पास कंप्यूटर हैं। आई हैव अ कंप्यूटर। आई हैव अ कंप्यूटर, बात ख़त्म करो, या फिर हम बोल सकते हैं छोड़ो ना, या फिर भूल जाओ, या फिर जाने भी दो। तो इन सारी चीज़ों का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी मैटर को, किसी बात को हम छोड़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि फिनिश इट, फिनिश इट, लीव इट, लीव इट, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, और लेट इट बी, लेट इट बी। ओके गाइज, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इन इंग्लिश, ही इज नॉट वेल। ही इज नॉट वेल। ओके, अब यहाँ पर जो वेल आया है, इस वेल का मतलब होता है तबीयत में ठीक होना। इस वेल की जगह हम गुड कभी नहीं लगा सकते। गुड का मतलब होता है अच्छा, दिखने में अच्छा, और वेल का मतलब होता है तबीयत में अच्छा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। नेक्स्ट है, यह सड़क कहाँ जाती है? वेयर डज दिस रोड गो टू? वेयर डज दिस रोड गो टू? तुमने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। इन इंग्लिश, यू हैव गिवन मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा। यू हैव गिवन मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा। ओके गाइज, नेक्स्ट है, आसमान बादलों से गिरा है। इन इंग्लिश, द स्काई इज ओवर कास्ट। द स्काई इज ओवर कास्ट, या फिर हम बोल सकते हैं द स्काई इज क्लाउडेड। द स्काई इज क्लाउडेड। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, मैं शहर से बाहर था। आई वॉज आउट ऑफ द सिटी। आई वॉज आउट ऑफ द सिटी। तुम्हें बेंगलोर कैसा लगा?
हाउ डिड यू फाइंड बेंगलोर, हाउ डिड यू फाइंड बेंगलोर, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट ब्रिंग यू हियर, व्हाट ब्रिंग यू हियर, कैसे आना हुआ। नेक्स्ट है गाइज, मेरे हाथ में दर्द है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, माई हैंड इज पेनिंग, माई हैंड इज पेनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, इंग्लिश में डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है, मैं अपने मन की बात करता हूँ, आई टॉक फ्रॉम माई हार्ट, आई टॉक फ्रॉम माई हार्ट। नेक्स्ट है, यह एक अच्छा बहाना है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। वो बातूनी हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको सी इज वेरी टॉकेटिव, सी इज वेरी टॉकेटिव, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सी टॉक्स अलॉट, सी टॉक्स अलॉट। तुम मेरे हम नाम हो, मतलब कि तुम्हारा और मेरा नाम सेम है, तुम मेरे हम नाम हो। इन इंग्लिश यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक। वह जुबान की पक्की हैं, इन इंग्लिश सी कीप्स हर वर्ड्स, सी कीप्स हर वर्ड्स, मतलब कि वह अपनी जुबान की पक्की हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ, आई स्पेंड मनी अलॉट, आई स्पेंड मनी अलॉट। क्या तुम होश में हो, आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। दोषी कौन है, या फिर दोष किसका है। ओके, तो इंग्लिश में हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम, दोषी कौन है या दोष किसका है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह एक अफवाह है, यह एक अफवाह है, अफवाह मतलब कि जो झूठी फैलाई हुई खबर होती है उसको अफवाह बोला जाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ र्यूमर, दिस इज अ र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। ओके गाइज, नेक्स्ट है, यह चर्चा में है, चर्चा में है, इंग्लिश में बोलेंगे हम दिस इज इन टॉक, दिस इज इन टॉक, टॉक इन टॉक का मतलब चर्चा में। नेक्स्ट है दोस्तों, वो एक कुख्यात व्यक्ति हैं, कुख्यात मतलब कि फेमस तो है लेकिन बुरे गलत कामों से फेमस है वो, तो उसको बोला जाता है कुख्यात। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अ नोटोरियस पर्सन, ही इज अ नोटोरियस पर्सन, वह एक कुख्यात व्यक्ति है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये सारे सेंटेंसेज कवर किए हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो इनकी प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।